सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। YouTube गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का गेम स्टॉक के एक फ्रेश एपिसोड में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उन गेम्स के बारे में जो कि रिलीज होने वाली है एंड बहुत ही ज्यादा मजेदार भी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई राइड आउट हीरोज के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर गेम प्ले देख पा रहे हैं राइड आउट हीरोज का, ये गेम को रिलीज करा है भाई नेटिस कंपनी ने। अगर आपको पता होगा नेटिस गेम्स बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है एंड इस टाइप्स की गेम जो है भाई वो आए दिन रिलीज करता रहता, तो यहाँ पर वो एक और गेम लेकर आ चुके हैं राइड आउट हीरोज। एंड गेम की जो साइज की बात करें तो गेम का साइज लगभग अभी 1 GB के आसपास है। एंड अगर आप बात करें इसके रिक्वायरमेंट्स की, तो ये जो गेम है भाई 1 GB RAM, 2 GB RAM, 3 GB RAM, 4 GB RAM में भी वर्क करता है। तो अगर आपको गेम डाउनलोड करनी है तो नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है राइड आउट हीरोज का, तो आप वहां से जाकर इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं पहले भी एक गेम प्ले वीडियो बना चुका हूं, वो आप मेरे चैनल पर रिसेंट वीडियोस में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, जो अगला अपडेट है वो निकल कर आता है भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से। तो यहां पर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का 1.0.3 वर्जन जो है भाई आ चुका है और ये जो है गेम ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हो चुका है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं इसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां के लोग इस गेम को डाउनलोड करके ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी इंडिया में, वैसे अब ऑस्ट्रेलिया में हो चुकी है। तो अगर आप इस गेम को प्ले करना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया का VPN लगाकर भी इस गेम को खेल सकते हैं। अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो आप ऑस्ट्रेलिया का VPN लगाकर इस गेम को खेल सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं सबसे मेन बता दूं कि सब अपडेट में आया क्या क्या है कॉल ऑफ ड्यूटी में। तो गाइस, जितनी भी मतलब जायरोस्कोप, सबसे ज्यादा मेन था जायरोस्कोप बंदों से, मतलब इसमें जायरोस्कोप ग्लिच था वो फिक्स कर दिया, एंटी-अलियासिंग एनेबल हो गया एंड बहुत सारे फीचर्स जो अपडेट कर दिए गए हैं, तो काफी सही अपडेट है। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करें एंड आप इसमें ऑस्ट्रेलिया का VPN लगाकर इस गेम को चला सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मेरे को नीचे अगर कमेंट में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा एंड जल्दी इसका गेम प्ले जो है आपको मेरे चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा। तो चलो गाइस, अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो गाइस, अब अगला अपडेट जो है वो निकल कर आता है भाई नेटिस गेम्स की तरफ से। तो गाइस, आपने सभी लोगों ने बचपन में खेला होगा टॉम एंड जेरी, एंड एक टॉम एंड जेरी का मल्टीप्लेयर गेम जो है भाई रिलीज कर रहा है नेटिस गेम्स ने। फिलहाल ये 2D गेम है बट इसमें मजा बिल्कुल बहुत खतरनाक वाला है। अब ये नहीं कि मतलब 2D है तो घटिया गेम है भाई, बहुत बढ़िया गेम है। अभी मैंने जिस हिसाब से इसका गेम प्ले देखा मेरे को समझ आ रहा है, जितनी मल्टीप्लेयर गेम रहती है वो तो होती ही बढ़िया है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया गेम होने वाला है। पहली बात, इसको नेटिस ने रिलीज करा तो भाई वो कोई छोटा मोटा गेम तो है नहीं, बहुत तगड़ा गेम है। तो अगर आप इस गेम के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो गाइस, अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट वो निकल कर आता है, वो बात है भाई सुपर मैचा चैंपियन। ये सुपर मैचा चैंपियन गाइस एक न्यू गेम है जिसको रिलीज करा है नेटिस गेम्स ने। एंड भाई अभी मैं करूँगा, अब जितनी भी गेम्स है भाई सभी नेटिस रिलीज कर रहा है, अब नेटिस रुक ही नहीं रहा है, एक के बाद एक गेम भाई जो है निकाले ही जा रहा है। एंड जितनी भी गेम्स हो रही है वो बैटल रॉयल गेम्स ही वो रिलीज कर रहा है। तो अगला अपडेट जो है वो है भाई सुपर मैचा चैंपियन। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से अगर डाउनलोड कर लेना। बट यार ये जो गेम है भाई 1 GB RAM एंड 2 GB RAM फोन में सपोर्टेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई एंड गेम है, मतलब कि हाई एंड डिवाइसेस में ही सही से चलता है, बाकी छोटे मोटे डिवाइसेस में ये गेम इतना ज्यादा सपोर्टेड नहीं है। अगला अपडेट है भाई वो निकल कर आता है भाई एक न्यू कंपनी जो कि अभी मार्केट में है, एंड उसने आते ही जो है गेम रिलीज कर दिया है कोड जेड। तो कोड जेड एक बहुत ही बढ़िया जोम्बी सर्वाइवल गेम है, जोम्बी शूटर सर्वाइवल गेम। एंड इस गेम में होता क्या है कि आपने एक आइलैंड पे जाओगे एंड आइलैंड पे बहुत सारे जोम्बीज रहेंगे और एनिमीज भी रहेंगे, तो आपने एनिमीज को भी मारना है, जोम्बीज को भी मारना है। इसमें कुछ लेवल्स रहते हैं, उस लेवल के हिसाब से जोम्बी आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और उसी के बीच आपको एनिमीज से भी फाइट करने का मौका मिल सकता है। एंड इसमें एक टाइमिंग चलती है, आप जितने टाइम तक जो जितना ज्यादा सर्वाइव कर जाएगा वो इस गेम का विनर हो जाएगा। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर इसका गेम प्ले चेकआउट करना एंड अगर आपको पसंद आए तो आप इस गेम को डाउनलोड जरूर करना। तो गाइस, अब हम आखिरी में बात कर लेते हैं एक न्यू गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में। तो भाई यहां पर रेजर ने रिलीज कर दिया अपना सेकंड फोन जिसका नाम है भाई रेजर फोन 2, एंड ये एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है। एंड अगर हम बात करें इसके रैम के बारे में तो इसकी रैम जो है भाई वो होने वाली है 8 GB एंड ये 64 GB वाले वेरियंट के साथ आता है। एंड अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसका प्रोसेसर जो है भाई वो है स्नैपड्रैगन 845। सो गाइस, स्नैपड्रैगन 845 एक बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। एंड अब हमें देखना ये होगा कि ये जो फोन है भाई क्या ब्लैक शक 2 रेजर फोन या आसूस रोग को पीछे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ये सजेशन तो मेरे को नीचे जाकर कमेंट में जरूर बताना कि ये जो फोन है उनको पीछे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। एंड अगर हम बात करें इस फोन के प्राइस के बारे में तो प्राइस बिल्कुल सेम है ब्लैक शक 2 वाला, यानी कि इस फोन का भी प्राइस होने वाला है भाई 41,000। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गेम स्टॉक्स के एपिसोड पसंद आते हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं रोजाना इस टाइप की वीडियोस अपलोड करूं तो मेरे को नीचे जाकर कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।